और खबर ऐसे दंपतियों के लिए है जो कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी करते हैं और विदेश में तलाक ले लेते हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने दुबई में हुई एक तलाक को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि विदेश में हुआ तलाक मान्य नहीं होगा। भारतीय दंपत्ति विदेश में तलाक नहीं होगा मान्य। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ किया कि विदेशी अदालत को भारतीय दंपत्ति के वैवाहिक मामलों पर फैसला देने का अधिकार नहीं है। मामला ये है कि महिला के पति ने दुबई में रहते हुए उसे तलाक दे दिया, जिसे दुबई की अदालत ने मंजूर भी कर लिया। फैसले को मुंबई की एक परिवार अदालत में चुनौती दी गई। परिवार अदालत ने महिला और उसके दो बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगने वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि दुबई की अदालत का फैसला मान्य होगा। इसके बाद पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट का रुख किया। जस्टिस एसओका और जस्टिस अनुजा प्रभु देसाई की बेंच ने दुबई की अदालत के फैसले को रद्द करते हुए महिला की याचिका स्वीकार की और कहा, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि दुबई में अदालत को हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। दोनों पति और पत्नी भारतीय नागरिक हैं और पति के इस दावे को पुख्ता करने वाला कोई दस्तावेज नहीं है कि वे दुबई के निवासी हैं। ऐसे में दुबई की अदालत भारतीय पति पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि दोनों जन्म से हिंदू हैं और उन्होंने हिंदू वैदिक अधिकारों के मुताबिक शादी की और उनकी शादी तलाक का मामला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत आता है, चाहे दंपत्ति शादी के समय विदेश में ही क्यों न रह रहे हों। कोर्ट ने अब इस मैटर को फैमिली कोर्ट में भेज दिया है। साथ ही दोनों पक्षों को 18 सितंबर तक कोर्ट में पेश होने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट का ये फैसला उन महिलाओं के लिए मददगार रहेगा जिनके पति विदेश में रहते हुए उन्हें तलाक दे देते हैं। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।